ओम शांति। बाबा 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 की प्यारी याद में इज मोस्ट बिलवेड बाबा सबसे प्यारे हैं, मोस्ट बिलावेड हैं। माय इटर्नल मदर एंड फादर, मेरे मेरी शाश्वत, मेरे इटर्नल माता पिता हैं बाबा बाबा, इज ऑल्सो माई टीचर, मेरे टीचर भी हैं, मेरे अध्यापक भी हैं बाबा इज माई सुप्रीम गाइड, बाबा, मेरे सुप्रीम गाइड भी हैं, माई कंपेनियन एंड मेरे फ्रेंड, उच्चतम गाइड, मेरे साथी, मेरे दोस्त भी हैं, कंपेनियन साथी। इज इनकॉर्पोरियल इनविजिबल बाबा निराकार हैं और बाबा अदृश्य हैं, इनविजिबल। पावर्स, बाबा की शक्तियां, बाबा क्वालिटीज बाबा की क्वालिटीज, गुण कैन बी एक्सपीरियंस्ड अनुभव की जा एनीवेयर सकती हैं, कहीं पर भी, एवरी मोमेंट। हर समय। सो विथ लॉट ऑफ लव तो बहुत स्नेह के साथ आई रिमेम्बर मुझे याद आता है, यू बाबा, मैं बाबा को, मीठे बाबा को याद करती हूं। रिमेम्बरेंस इज वेरी नेचुरल, बहुत याद बहुत सहज है, व्हेन देयर इज रिलेशनशिप, स्मरण बहुत सहज होता है जब रिश्ता होता है, रिलेशनशिप होता है। माई लव एंड रिस्पेक्ट फॉर बाबा, मेरा स्नेह और रिस्पेक्ट बाबा के लिए, बाबा के लिए आदर, बाबा के लिए स्नेह और ऑलवेज आदर रिमाइंड्स मी हमेशा मुझे याद दिलाता इन है, रिमेम्बरेंस, याद रहने के लिए, याद करने को बाबा को मुझे याद दिलाता है। लाइक ब्रह्मा बाबा एंड मामा, जैसे ब्रह्मा बाबा और मामा, वी ऑल ऑल्सो हैव हम होम सारे भी, हम बाबा सारों इन को भी रिमेम्बरेंस बाबा की याद, स्मरण, याद ऑल द टाइम। हर वक्त हर समय होनी चाहिए। इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ 8 आवर्स और 10 आवर्स, 8 और 10 घंटे का सवाल नहीं है, वो 24 घंटे की बात है। एंड दिस रिमेम्बरेंस इज नॉट ओनली व्हेन आई नीड और ये याद समथिंग सिर्फ जब नहीं, तब जब मुझे जरूरत हो और व्हेन देयर इज डिफिकल्टी, या कोई तकलीफ हो, दिस रिमेम्बरेंस ये याद इज सीन लाइक देखी जाती है देयर इज ब्रेथ द लाइफ इन द बॉडी, जैसे सांस होती है शरीर में, या जीवन होता है, लाइफ होती है बॉडी में, जिंदगी होती है। ब्रेथ हर एक सांस के साथ आई रिमेम्बर बाबा, मैं बाबा को याद करती हूं। एट दिस टाइम इस समय पर ऑल द सोल्स इन द वर्ल्ड सारी आत्माएं दुनिया में, दे नीड टू एक्सपीरियंस उनको आवश्यकता है अनुभव की, वाइब्रेशंस द पावर शक्तियों की और वाइब्रेशंस ऑफ की, लव, स्नेह की शक्ति और वाइब्रेशन की आवश्यकता है इस समय। सो एज मच आई स्टे जितना मैं इन रिमेम्बरेंस ऑफ याद बाबा, में रहती हूं बाबा की स्नेह भरी याद में, एज अर्थ स्टार ऑन द अर्थ, जैसे धरती पे आई रेडिएट एक सितारा होता है, मैं लव, बाबा का स्नेह, मैं बाबा का स्नेह प्यार विकीर्ण करती हूं, रेडिएट करती हूं।
strength. That everything in the world. हम समझते हैं कि हर चीज इस दुनिया में जो है वो लिमिटेड है, टेम्परेरी है, अस्थाई है और लिमिटेड है, सीमित है. But I soul, I am eternal, I am immortal. मैं इटर्नल हूँ और इमॉर्टल हूँ, मैं आत्मा अमर हूँ. दुनिया इस समय पे घोर अंधकार, अंधियारे में है, अंधकार में है. बाबा की लाइट, और बाबा की लाइट में, बाबा के स्नेह में, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. There is so much peace in Baba's remembrance. Baba ki yaad mein bahut shanti hai. There is courage. Aur sahas hai, courage. जो भी कोई परिस्थितियां आए उनको उनको सामना करने की, फेस करने की. As I am absorbed in Baba's remembrance, जैसे मैं बाबा की याद में डूबी हुई हूं, I feel detached from body. मैं शरीर से साक्षी होती हूँ, डिटैच साक्षी होती हूँ. And gradually feel. और धीरे धीरे महसूस करती हूँ, अनुभव करती हूँ. एक फरिश्ता स्वरूप लाइट जैसे इमर्ज हो रही है, उभर रही है. The avyakt stage. जो अव्यक्त स्थिति है, जो एक स्थिति पार होने की, शरीर से पार, बियॉन्ड होने की. There is total soul consciousness. ये बिल्कुल देही अभिमानी, soul consciousness. And I could feel the divinity. वो दिव्यता, In remembrance of Baba. बाबा की याद में. I also become incorporeal. मैं बाबा की याद में निराकार बन जाती हूँ, पाप समान.
Baba's light. बाबा की लाइट, बाबा की शक्ति, बाबा का बल, मेक्स मी लाइट हाउस, मेरे को लाइट हाउस बनाता है, जैसे बाबा हैं, प्रकाश स्तंभ जैसे बाबा हैं, there is sweet silence, बहुत मीठी शांति है, साइलेंस है, मौन है, internal lightness, अंदर की अंदर से एक हल्कापन है, and company of Papa, एक निराकारी रूप में, सदा
और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल लेता संतुष्टता इस संगम युग की विशेष बाप दादा की देन है। ओम शांति समय की समीपता के अनुसार अव्यक्त फरिश्ता बनिए बनना है। मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है। In order to bring perfection close, संपूर्णता को समीप लाने के लिए सिर्फ दो शब्द याद रखो। मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो एक बिंदु की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक की ही कर्तव्य में मददगार बनो। There is no need to बाकी विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति। अगर सर्विस नहीं तो बिंदु उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है। यही सहज विधि है संपूर्णता को प्राप्त करने की। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज 16वां दिन है। समय की समीपता अनुसार अव्यक्त फरिश्ता बनना है। आज का टॉपिक है मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे।
ओम शांति, नाउ इज ओके. ओम शांति, अब आवाज आ रही है, सब ठीक है? आई कैन, यस, वेरी गुड. बहुत अच्छा है. इट्स सो नेचुरल. बाबा इज मेकिंग इट इजी. बाबा बहुत सहज बना रहे हैं. हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए और संपूर्ण बने, फरिश्ता बनने का. और समय का क्या फरिश्ता स्वरूप बनने के साथ क्या कनेक्शन है? क्या समय हमें मदद कर रहा है या हम समय को समीप ला रहे हैं, या समय हमें हेल्प कर रहा है संपूर्णता की तरफ ले जाने के लिए? क्योंकि हम जानते हैं घड़ी आगे, टाइम बढ़ता जा रहा है, दोनों सब वर्ल्ड क्लॉक भी और 24 घंटे की घड़ी भी आगे बढ़ रही है. So it's just kind of feel the connection of the time. ये फील होता है, महसूस होता है, अनुभव होता है टाइम का जो कनेक्शन है, समय का, हमारे को अपनी स्थिति संपूर्णता के समीप लाने के लिए. मुझे याद है एक बार ब्रह्मा बाबा ने कहा था, किसी ने कहा कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं जाएंगे, सब इकट्ठे जाएंगे. बाबा कहते थे जैसे एक ट्रेन है और या फिर एक शिप है, बड़ी जहाज है पानी वाला, अगर थोड़े से यात्री जल्दी आ जाए वो टाइम पे ही निकलेगी, चाहे यात्री जल्दी भी आ जाए. तो फिर मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय है. पर ऐसा नहीं है. अभी प्रैक्टिकली अपनी समृद्धि और कर्मों में, वास्तव में कभी कभी अपनी समृद्धि जागरूकता से हम अनुभव करते हैं, हम उस स्टेट में. पर बाबा जैसे कहते हैं, बुद्धि जाती है कर्मों में और फिर जागरूकता खो जाती है. उस स्थिति के ऊपर पहुंचना जहां पे समृद्धि और प्रैक्टिकल जो लाइफ है, कर्म करते हुए याद रखना, कर्म करते टाइम सारे गुण, ट्रेजर, खजाने को यूज करना, इस्तेमाल करना, उसको चाहे हम राजयोग कहें चाहे कर्म योगा कहें. बाबा ने कहा राजयोगा, क्योंकि हम राजा हैं, किंग्स हैं, हमारे को अपने मन और बुद्धि पे संपूर्ण कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि किंग का मतलब कंट्रोल करना, किंग का मतलब नियंत्रण करना. मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि वो जागरूकता, अब ये कहते हैं कि सब कुछ इमर्ज्ड होना चाहिए, जो कि हमारे को हमारे चेहरे और हमारे एक दूसरे के साथ हमारे को समझ में आ, हमारे को हमारे एक्शंस में नजर आना चाहिए. और संबंध, संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है. और सबसे पहले आज बाबा ने कहा रिलेशनशिप, संबंध सबसे पहले है. The power of soul's power. आत्मा की शक्ति. कहने का मतलब एक शरीर के द्वारा सेवा करना, बोलना जैसे कि कर्मयोगा करना. दूसरा है, उस समय अगर मेरी वाइब्रेशंस बाबा की याद की हों और शांत हों,
तो इसका मतलब वायुमंडल जो मैं बना रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है और कोई फोर्स नहीं है, जैसे कि ताकत नहीं लगानी पड़ती। इसलिए बाबा ये बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा से एक समय पर ही सेवा करना, सर्विंग थ्रू कर्म करते समय हम सेवा कर रहे हैं अपने कर्मों द्वारा। सबसे श्रेष्ठ हो हर आत्मा की उपस्थिति, चाहे हम कोर्स दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं किसी को, क्या वो उसको अनुभव कर रहे हैं, क्या वो एकदम रियल असली साउंड करता है या फिर सिर्फ इंटेलेक्चुअल या रीजनिंग में हम रहते हैं। हम कुछ भी साबित नहीं कर, मैं कुछ प्रूव कर नहीं कर सकते, हमें सच बोलना है और जो पात्र हैं उसको लेने के, रेडी टू रिसीव हैं, वो लेंगे। पहले शुरू में कितने होते थे, बाबा कहते हैं आर्ग्यूमेंट से किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, सच्चाई हमेशा आगे आ ही जाती है और सच्चाई का अनुभव जब हो जाए तो वो मौन के द्वारा उनको जो भी हम कहते हैं, हम जो हमारे को क्लैरिटी मिली है, जो हमने रियलाइज किया है, वो दूसरे भी उस तरीके से महसूस करेंगे, तो अब सेवा ऐसी होगी। मुझे अच्छा लगा जब कल बाबा ने कहा जब आपका स्टेट एकदम संपूर्ण होगा, आप साक्षी होंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं साक्षी बनूंगी, पर आप सहज रूप से बनेंगे। बाबा ने उदाहरण दिया, तो आज भी अव्यक्ति सिग्नल बहुत रोमांचक है। बाबा कह रहे हैं संपूर्ण बनो, दो शब्द याद करने की जरूरत है, और जब आप ये दो शब्द सुनते हैं, हर समय एक अलग मतलब होता है और समझ होती है। मैं भी पॉइंट और बाबा भी पॉइंट, बिंदु, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, परंतु ये भी याद रखना है, अगर आप ये याद रखते हैं तो बाबा कह रहे हैं बाबा सिर्फ बिंदु नहीं है परंतु वे सिंधु भी हैं, ओशन है। मैं जिससे एक बिंदु हूँ उसके अंदर पूरा संसार है, पूरे पॉइंट ऑफ लाइट पे पूरा संसार है, पूरा साइकिल कल्पा उसमें है। पर बाबा एक बिंदु स्वरूप है और सिंधु भी है, पर मुझे दोनों होना है, सही है कि नहीं? पूरा दुनिया बिंदु में, पर बाबा कहते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, विस्तार में नहीं जाना है, सारा कुछ, हर चीज मर्ज होनी चाहिए और मौन होना चाहिए, वो हमारी शाश्वत, हमारी स्थिति है, स्टेज है मौन की, साइलेंस। तो फिर वह सहज रूप से इमर्ज होगा। तो बाबा कहते हैं कि जब आपको याद रहती है बाबा की बिंदु के रूप में और आप भी बिंदु रूप में, तो आपकी स्थिति बहुत कंसिस्टेंट होती है, एक जैसी और फ्लक्चुएट नहीं होती। जब एक की मत होती है
और हम फिर बाबा के कार्य में हेल्पर होते हैं, सेवक होते हैं। जब हम एक स्थिति में होते हैं बिंदु की, बाबा की याद में, और याद रहे कि बाबा का जो कार्य है, बाबा के कार्य में, एक के कार्य में, एक के कर्तव्य में, हमारे एक ऐसी स्थिति जीवन में आती है जब बहुत हम डिटेल में नहीं जाते, विस्तार में नहीं जाते, और कोई कुछ कहता है कि मैं समझ रहा हूं, हम समझ जाते हैं कि क्या पॉइंट है, ज्यादा हमें विस्तार में जाना अच्छा नहीं लगता। अब मैं देखती हूँ कुछ लोग सब कुछ जानना चाहते हैं, और कभी कभी समय ऐसा आता है जब आप बिल्कुल साक्षी हैं, क्योंकि आपको पता है, एसेंस में मुझे पता है, और बहुत विस्तार में मैं जाना नहीं चाहती। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं, बाबा ने कहा, जो आप अनुभव करेंगे जब आप संपूर्णता की स्थिति के समीप होंगे। कोई बहुत आपको इंटरेस्ट नहीं होगा विस्तार में जाने का, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई संबंध हो। बाबा कहते हैं आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई वो इंटरेस्ट नहीं है, कुछ समय तक आपको जरूरत होती है, पर आपको फिर उसके बाद जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत है विस्तार में जाने की, तो सिर्फ सेवा प्रति जाएं। अगर जरूरत नहीं है तो एक बिंदु बन के रहें, और आप अपनी बुद्धि को इधर उधर भटकने नहीं दें। सेवा के लिए बाबा कहते हैं कभी कभी बुद्धि चलता ही जाता है, इधर उधर भटकता है। मैंने देखा बहुत सारे चिंतन थे, कैसे हम सेवा ज्यादा कर सकते हैं। फिर मुझे पता चला कि शनिवार को अर्थ डे है, हम विजिबल नहीं होते, बाबा के हर घर में, और यूनाइटेड नेशन से हमारे को कहते हैं कि सूर्य जब राइज होता है उस टाइम पे मेडिटेशन करने के लिए, यूनाइटेड नेशन से सनराइज की तरफ देखते हुए क्या हम कर सकते हैं, मेरी बुद्धि उस तरफ को कैसे मैं कह सकती हूँ सबको करने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा, और थोड़े चिंतन संकल्प, वो अच्छा है एक तरीके से। मुझे अनुभव होता है कि मुझे फील होता है कि कुछ नया नवीनता होगी, सबका उमंग, नहीं तो हम एक रूटीन में रहते हैं। वो ओके है, पर वो बहुत बहुत अच्छी ऊर्जा की अनुभव नहीं होता, कुछ अलग होना चाहिए। फिर एक पॉइंट आया, ज्यादा मत सोचो आप, मैंने अपने आप को कहा, दैट्स इट, और नहीं सोचो। फिर एक और प्लान आने लगा, तो बाबा ने कहा एक तरीके से बिंदु को यूज करो, बिंदु बन जाओ, तो आप ज्यादा क्लियर माइंड होगा आपका, स्पष्ट साफ मन होगा, और उससे शक्ति भी मिलेगी। जब आप एक बिंदु होते हैं तो बाबा कहते हैं जितनी जरूरत है उतना विस्तार में जाएं। बाबा कहते हैं सहज विधि है संपूर्णता को, संपूर्ण बनने की। तो एक कार्य कराने के लिए भी सिर्फ सोचना नहीं होता, शक्ति चाहिए होती है उसकी संपूर्णता के लिए। प्रैक्टिकलिटी में हमें शक्ति चाहिए होती है, तो बिंदु को इस्तेमाल करते हुए, बाबा को बिंदु याद करते हुए, जितना विस्तार में जाने की आवश्यकता है उतना ही जाएं।
अगर नहीं तो फिर सिर्फ बिंदु स्वरूप बन के रहें। मैं सोचती हूँ बहुत रोमांचक है, जितना जरूरत है उतना ही, और फिर बिल्कुल मौन साइलेंट हो जाएं। तो अंदर से आपको पता है उमंग उत्साह, क्या जरूरत है उस समय की, अपने लिए नहीं, सिर्फ स्व के लिए नहीं, परंतु दूसरों के लिए, दुनिया के लिए भी, वर्ल्ड के लिए भी, और अपने आप को सर्विस में प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रॉन्ग रहें। ये बहुत रोमांचक पॉइंट है। कुछ ऐसे पॉइंट है जो सिर्फ आप अभ्यास से करने होंगे, फिर आप देखेंगे उसकी महत्वता को देख पाएंगे, नहीं तो फिर सिर्फ एक पॉइंट है वो ज्ञान का। तो आज के लिए हमारा होमवर्क है ये दोनों बिंदुओं को इस्तेमाल करना, कितने जगह कहाँ पे विस्तार में जाना, कितना जाना, बाबा को बिंदु देख स्वरूप में देखें और सिंधु स्वरूप में देखें, ओशन। आज खेलिए इन दोनों पॉइंट से और एंजॉय करें। ओम शांति। According to the closeness of time, समय की समीपता के अनुसार अव्यक्त फरिश्ता बनना है। मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है। संपूर्णता को समीप लाने के लिए सिर्फ दो शब्द याद रखो, मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है। लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। एक बिंदु की याद और एक रस अवस्था, एक की हिम्मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार बनो। In the task of just the one, there is no need. बाकी विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति। अगर सर्विस नहीं तो बिंदु उसके आगे अपनी बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं है। यही सहज विधि है संपूर्णता को प्राप्त करने की। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 1970 की, From Brahmin to Brahmin so farishta banne ke liye prerna deti hain. April 2, 1970, अव्यक्त मुरली, संपूर्णता की। ऐसे सन्यासी हो जो सब कुछ सन्यास कर चुके हो, त्यागी बनना जिसने सब कुछ त्याग दिया है, और सभी विचारों का त्यागी, ना केवल सभी संबंधों का त्याग बल्कि सभी विचारों का भी त्याग। यह पूर्णता की अवस्था है, यह पूर्णता की अवस्था है। बाप दादा क्या देख रहे हैं, जीत के सितारे। तो बाप दादा की विजय सितारे की लिस्ट में हैं, जैसे और कार्यों में एक दो के सहयोगी हैं, ऐसे भविष्य में भी एक दो के सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे नहीं
It isn't that you have to become that. ऐसे नहीं कि बनना है, दिखाई पड़ता है कि तुम ऐसे हो. You have to come just as close as when sound is जितना आवाज लगे उतना ही पास आना है और तुम तक पहुंचती है. तब थोड़े समय में सब बातों में बाबा को पूरा फॉलो करना है, कर रहे हो और करते रहोगे. And you will continue to do that. What are all of those who were in your gathering at the beginning? आज की सभा में सारे क्या कर रहे हैं? Why was the gathering created? सभा क्यों बनाई गई? Those of you who stay within the gathering, together with looking after the yajna. जो सारे इस सभा में हैं, यज्ञ को देखते हुए अपने आप को भी देखना है. जो एक दूसरे जो अपने आप को देख सकते हैं वो यज्ञ को भी देख सकते हैं. Those who cannot look after themselves, जो अपने आप को नहीं देख सकते वो यज्ञ को भी नहीं देख सकते. It is not clear to you what your gathering has to do. अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि सभा क्या कर सकती है, you must call your companions. आप अपने साथियों को बुलाएं. आप जब बाप दादा को बुलाते हैं, लंबा समय नहीं लगता. बाप दादा को आने में ज्यादा समय नहीं लगता. There is the Pandava group. लेकिन जो पांडवों का ग्रुप है, and this is the service group. ये ग्रुप यह है सर्विस ग्रुप. लेकिन जो पांडवों का ग्रुप और यज्ञ माताओं का ग्रुप था, उसका क्या हालचाल है? मुख्य केंद्र के समीप आने से देख रेख कर सकेंगे. इन ग्रुप को अपना कर्तव्य ही है. सिर्फ एक दिन का नहीं, सम्मेलन का रिजल्ट. It is not just for a सिर्फ day. एक दिन का नहीं, सम्मेलन का रिजल्ट जो भट्टी की रिजल्ट बताई, वही सम्मेलन की रिजल्ट है. चारों ही बल समान हो, उसमें 25% की कमी सुनाई. समझा? You can't tell what पास विद ऑनर होते तो ना मालूम क्या होता. All of you would सब पास समीप आ जाते. अभी सिर्फ आवाज किया है, ललकार नहीं की है. इसकी भी युक्ति बताई कि चारों बल की समानता होनी चाहिए. कब किस बल की विशेषता, कब किस बल की, लेकिन चारों बल समान रख सर्विस करने से ललकार होगी. Being equal, you will be able to challenge everyone. ललकार ना होने का भी कारण है. Why you aren't able to issue a challenge? सम्मेलन की बात नहीं कर रहे हैं. Baba is not talking of the gathering. सम्मेलन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन टोटल आवाज निकलता है. अब ललकार नहीं निकलती है. आवाज फैलाया है, सोए हुए को जगाया नहीं है, सिर्फ करवट बदलाया है. ललकार न होने का कारण क्या है? बताओ. ललकार तब होगी जब कोई भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे. अभी क्या होता है, कई बातों को अंगीकार कर लेते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म. जब कोई भी संकल्प में भी अंगीकार व स्वीकार ना हो, तब ललकार हो. अभी मिक्स है, इसीलिए रिजल्ट भी मिक्स है. जो कल पहले फिक्स हुए रिजल्ट हैं, वह अब नहीं है. अब उस फिक्स को भी जानते हो, अब मिक्स है. समझा?
अपने पन को भी अंगीकार ना करें. मैं यह हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं यह करती हूँ, यह किया. इन सब का मैं पन निकाल कर बाबा बाबा शब्द आएगा, तब ललकार होगी. परम आत्मा में ही परम बल होता है, आत्माओं में यथाशक्ति होती है. तो बाबा कहने से परम बल आएगा, तो मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है, इसलिए रिजल्ट भी यथाशक्ति होता है. अब भाषा भी चेंज हो. And you will receive power according to your capacity. अब भाषा भी चेंज हो, साकार रूप में दिखाया जाता है. This is why the result is also according to your. कब कहा कि मैं यहाँ ये चला रहा हूँ, मैंने मुरली अच्छी चलाई. कब कहा? मैंने सर्विस की. The साकार form showed you everything by doing it practically. मैंने सर्विस की. Did he ever say? I am making this work. मैंने बच्चों को टच किया. कब कहा? I did this service. I gave attention to the children. Did he ever say this? यह अंगीकार करना खत्म हो जाना चाहिए. In this way. This is known. इसको कहा जाता है जो वायदा किया है वह निभाना. आप लोग एक गीत गाते थे, तुम ही पर मर मिटेंगे हम, याद आता है? मर मिटना किसको कहा जाता है? मैंपन मिटाना यही मर मिटना है. अंगीकार ना करो तो ललकार कर सकते हो. कोई भी बात ना निंदा स्तुति, ना मैं, ना तुम, ना मेरा, तेरा कुछ भी अंगीकार स्वीकार न करना, तब ललकार होगी. आप मन में संकल्प पीछे करते हो. आपके मन में संकल्प पहुंचे ही वहां पहुंच जाता है. क्यों पहले पहुंचता है, यह भी गोलीय पहेली है. आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह आपके मन में पीछे आता है, उनके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है. क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा का हर नूंद स्पष्ट देखने में आती है. इसीलिए ड्रामा की नींद को पहले से ही स्पष्ट देख सकते. इसीलिए भविष्य देख करके पहले से बात करते हैं, पहले से जैसे कि पहुंचा ही हुआ है. फिर जब आप लोग पाठ बजाते हो, बाप दादा भी पाठ बजाते हैं. आप रूह रूहान करने का पाठ बजाते हो, बाप दादा सुनने का पाठ बजाते हैं. समझा? जो जैसा है वैसा स्वयं को पूरा ना भी जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं. तो अब चारों बल समानता में लाने हैं, तब साकार के समान बन जाएंगे. जितना संस्कारों को समानता में लावेंगे उतना ही समीप आएंगे. कौन से संस्कार? साकार रूप में संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा, यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे. These were the elevated qualifications of the perfect stage of the sakar form. In sanskaron mein you have to make your samanta lani hai.
with these virtues, इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे, जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व में सर्व आ जाते हैं, तो बीज यहाँ डालना है, फल वहां लेना है। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. So now we will do the homework meditation and then we'll take drishti from Didi and remember. अब हम meditation करेंगे और drishti लेंगे दीदी से और बाबा को याद करेंगे. According to the समय की समीपता के अनुसार अव्यक्त परिश्ता बनना है. मैं बिंदु हूँ और आप भी बिंदु है. In order to संपूर्णता को समीप लाने के लिए सिर्फ दो शब्द याद रखो. मैं बिंदु हूँ और आप भी बिंदु हैं. लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु भी है. Stay in the remember. तो एक बिंदु की याद और एक रस अवस्था, एक की हिम्मत और एक के ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार बनो. बाकी विस्तार में जाने की दरकार नहीं. विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति. अगर सर्विस नहीं तो बिंदु उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है. यही सहज विधि है संपूर्णता को प्राप्त करने की. अव्यक्त फरिश्ता बनो. मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है. संपूर्णता को समीप लाने के लिए सिर्फ दो शब्द याद रखो. मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है. लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है, तो एक बिंदु की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार बनो.
बाकी विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति, अगर सर्विस नहीं तो बिंदु उसके आगे, अपनी बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है। यही सहज विधि है संपूर्णता को प्राप्त करने की। ओम शांति।